अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक्स टीवी और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ। आज हम आपके लिए एक बहुत मुनफरद किस्म की वीडियो लेके आए हैं जिसमें एक अलग किस्म की चीज़ है जो आपको हम दिखाएंगे। और हमारे साथ जो साथ बैठे भाई साहब हैं वो इस चीज़ के क्रिएटर भी हैं, तो वो आपको बताएंगे कि ये क्या है और किस तरह ये इस पर काम कर रहे हैं। बेसिकली इसको एरो मॉडलिंग कहते हैं, जो आपको नज़र भी आ रहे हैं हमारे सामने जहाज़ पड़े हुए हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जो इनका फ़न है इसके हवाले से जो है पूरी एक डिटेल लेंगे, ताकि एक जो डिफरेंट किस्म का ये टैलेंट है जो आपके सामने हम लाने की कोशिश करेंगे। तो आज इनसे मिलेंगे और ये डिटेल थोड़ी सी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप अपना तारीफ़ कराइए भैया। मेरा नाम शर्जील हसन मिन्हास है और मैं एविएशन आर्टिस्ट, और ये काम मेरा आपके सामने है, ये चीज़ें मैं बनाता हूँ। ठीक हो गया, तो ये बताएं कि ये कब स्टार्ट किया, बेसिकली शौक कैसे डेवलप हुआ इसका? मुझे इन चीज़ों का शौक बचपन से ही था, क्योंकि मैं पहले स्केचिंग वगैरह करता रहता था। मुझे पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और आर्ट वर्क मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता था। तो पेंटिंग, स्केचिंग, फिर उसके बाद ये सब कुछ करना शुरू किया, लकड़ी से ये जहाज़ वगैरह बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इंस्पिरेशन कहाँ से आई है कि ये काम स्टार्ट करने का, क्योंकि लोग तो खिलौनों से खेलते हैं, तो आपने तो ये चीज़ें बनाना शुरू की और फिर थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। खिलौनों से खेलता नहीं था, खैर खिलौनों को खोलता ज़रूर था। ठीक है। और सेकेंडली इंस्पिरेशन यार बेसिकली क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड एयरफोर्स का, तो इंस्पिरेशन डेफिनेटली वहीं से ही आई है सारी। और फिर उसके बाद मॉडल्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए। ठीक हो गया, तो ये सबसे पहले जो आपने कोई चीज़ बनाई है जो आपको याद हो गया इनिशियली आपने वो स्टार्ट किया? क्योंकि देखें जब बंदा नया काम शुरू करता है या जस्ट फॉर द पैशन और शौक के सिलसिले में, तो चीज़ को बनाने का सोचने का ख्याल आता है कि यार क्या चीज़ शुरू की जाए। तो सबसे पहले क्या बनाया था आपने? सबसे पहले मैंने ये सामने एक जहाज़ पड़ा हुआ है C-30, सबसे पहले मेरा मॉडल ये था। और ये आज तक मेरे पास इसीलिए क्योंकि दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट मॉडल, और ये मैंने अभी तक इसको बेचा नहीं है। ठीक है, और ना ही कभी बेचूंगा, क्योंकि जो पहली चीज़ होती है उसे वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो दैट्स वाई अभी तक मेरे पास है। तो बस यही, इस जहाज़ को काफ़ी ज़्यादा देखा हुआ है और इसमें सफ़र भी किया हुआ है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड एयरफोर्स का है, तो दैट्स वाई। तो सबसे पहले यही बनाना शुरू किया और अच्छा लगा हुआ। सही, तो मतलब ये कि अगर मैं ये कहूँ कि ये तो फिर एक तरह से ब्लड में चीज़ आ रही है। बिल्कुल, तो उसी से आप इंस्पायर हुए हैं, इन चीज़ों के दरम्यान में आप रहे हैं, तो वहीं से आपने इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे ही अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही। सही हो गया, तो ये बताएं कि ये अभी तो जैसे आपने बताया कि बेचने की हम बात करें, तो आप इसको क्या मतलब चीज़ों को बना के आगे सेल आउट भी कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैं मोस्टली जितना भी काम कर रहा होता हूँ वो डिफरेंट ऑर्डर्स पर ही काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि अब तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं अपने लिए कोई चीज़ बना सकूं या फिर अपनी जो है ना इन्वेंट्री थोड़ी सी इकट्ठी कर सकूं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर ऑर्डर्स होते हैं और मैं डिफरेंट लोगों के लिए काम कर रहा होता हूं। डिफरेंट, इसके अलावा PF के लिए भी मैं चीज़ें बना के भेज रहा होता हूँ, आर्मी वालों के लिए भी बना के भेज रहा होता हूँ, इसके साथ साथ पाकिस्तान से हट के डिफरेंट कंट्रीज़ में भी मैं चीज़ें बना के भेज रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये बताएँ कि ये नॉर्मली तो अब जैसे ये एक चीज़ है ये हमें लकड़ी की नज़र आ रही है और ये चीज़ है ये मेटल में है, तो ये आपको कैसे आइडिया हुआ कि मैं इससे स्टार्ट करूं, इससे करूं, या मतलब कहाँ से आपको पता चला कि इन चीज़ को बनाने का? जाहिर सी बात है, एक जो बच्चा होता है उसको एक चीज़ को डेवलप करने में टाइम लगता है, और फिर चीज़ों के अंदर जो निखार है वो भी बताता है कि भाई उस बंदे के अंदर सेंस कैसे है। तो ये कैसे डिसाइड किया कि किस चीज़ से इसको बनाना स्टार्ट किया जाए? देखें, जब भी आपने कोई जहाज़ बनाना है ना, ठीक है, तो उसके लिए तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आपके 3 व्यूज़। ठीक है, सबसे पहले तो आपको 3 व्यूज़ निकालने होते हैं। 3 व्यूज़ अगर आपके पास आ जाते हैं तो देन इट इज़ वेरी इजी कि आप उससे कोई भी जहाज़ बना सकें, या कोई भी अगर आपने लकड़ी से कोई भी चीज़ बनानी है, ठीक है, या तो आपके पास उसकी पिक्चर होनी चाहिए या फिर आपके पास उसके मुताबिक जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज आपके पास पूरी है तो कोई भी चीज़ बनाना यहाँ पर मुश्किल नहीं है, यू कैन डू एनी थिंग। तो इसी तरह से मैंने इनके 3 व्यूज़ पहले निकालता हूँ, फिर 3 व्यूज़ को फॉलो करके मैं जहाज़ तराशा हूँ। और टूल्स वगैरह इतने कोई बहुत ही स्पेशलाइज किस्म के टूल्स मैं यूज़ नहीं कर रहा, पेपर कटर यूज़ करता हूँ और फाइलिंग पेपर वगैरह और सैंड पेपर वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, जिससे मैं ये चीज़ें बनाता हूँ और जितना भी निखारता हूँ ये सारा सैंड पेपर से, मतलब एंडिंग में मैं इनको निखारता हूँ सारा। ये चीज़ों के अंदर मैं देख रहा हूँ मतलब बड़ी खूबसूरती है, बड़े मतलब वो उसकी जो ना तराशा गया है जैसे चीज़ों को, तो ये कहीं सीखा भी है या मतलब बस जो है सेल्फ टॉट तरह की चीज़ें चल रही हैं? मतलब खुद ही आपने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि ये मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें बनाने की? डेफिनेटली, देखें कोई भी दुनिया का काम है ना, ऐसा नहीं है कि आपसे पहले किसी ने किया ना हो। ठीक है, हमेशा जो भी कोई काम कर रहा है ना, उससे पहले भी किसी ने वो काम ज़रूर किया होगा। तो ऐसा ही है, मैंने डिफरेंट वीडियोस वगैरह देखी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये जिस तरह का मैं काम कर रहा हूँ, ये ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, इन शॉर्ट गोरे वगैरह फॉरनर्स कर रहे होते हैं। तो बस वही यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए, कुछ वीडियोज़ वगैरह एक दो इस तरह की नज़र से गुजरी, ठीक है। उससे पहले मैं प्लास्टिक स्केल मॉडलिंग करता था, ये पीछे प्लास्टिक स्केल मॉडल्स आपके सामने आपने कैप्चर भी किए हैं, व्यूअर्स ने देखे भी होंगे। प्लास्टिक स्केल मॉडलिंग और वुड से जहाज़ बनाना दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। प्लास्टिक स्केल मॉडलिंग इज़ ईजियर, ठीक है, और क्राफ्टिंग एन एयरक्राफ्ट फ्राम वुड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इट इज़, क्योंकि आपको टाइम टेकिंग है, डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर कोई करना चाहे, मैं किसी को जो है ना मतलब ये नहीं डिसहार्ड नहीं करना चाहता, क्योंकि मोस्टली व्यूअर्स ये भी चाह रहे होंगे यार वी शुड डू इट, तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो बस थोड़ा सा जो है ना टाइम टेकिंग ज़रूर है, सही। तो बस खैर वो वीडियोस वगैरह देखी और वहीं से थोड़ी बहुत ही नॉलेज वगैरह गेन की, और उसके बाद फिर जब मुझे ये पता चल गया, फिर उसके साथ साथ कुछ दोस्त यार भी इस तरह के मिले, कुछ आर्टिस्ट वगैरह दोस्त बन गए, उनके साथ नो हाउ हो गई, फिर उनके साथ भी थोड़ी सी गैदरिंग वगैरह हुई, सेटिंग वगैरह हुई, तो उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह डिस्कस हुई। फिर एक मड आर्टिस्ट मुझे मिले जो मड से चीज़ें बनाते थे। तो फिर जब बंदा इस तरह के लोगों में बैठता है तो फिर ऑब्वियसली आपको प्रोडक्टिव चीज़ें और नॉलेज में आपका इजाफा होता है। तो इसी तरह करते करते फिर मैं इस तरफ आया और पता चला कि जी 3 व्यूज़ अगर आप निकाल लें तो 3 व्यूज़ को फॉलो करके आप जहाज़ बना सकते हैं। ऐसे ही किया मैंने, फिर 3 व्यूज़ निकाले। सबसे पहले मैंने जहाज़ के एक इतना छोटा सा मॉडल मैंने बनाया था, मुझे याद है, तो A4 साइज़ के प्रिंटर से मैंने उसका प्रिंट निकाला था और वो मैंने जहाज़ उससे देख के बनाया था, ठीक है। तो फिर इसी तरह करते करते फिर जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं, जितना जितना आप मतलब काम करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें शार्पनेस और निखार खुद ब खुद आता जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो फिर इसी तरह ये करते करते अभी आपके सामने है ये जितनी फाइनेंस है, ये क्योंकि अब टाइम इतना ज़्यादा हो गया काम करते हुए, तो ये अब फाइनेंस आ गई है काम में, ठीक हो गया। ये देखें अभी मतलब जो चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये आलमोस्ट सारी डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसके अलावा भी किसी चीज़ को आपने ट्राई किया है जो मतलब लेट्स सपोज कोई ट्रक हो गया, कोई गाड़ी होगी, कोई डिफरेंट चीज़ें जो डिफेंस की चीज़ों के अलावा हैं? देखें, बीन एन आर्टिस्ट, ठीक है, आई ट्राई टू डू एवरी थिंग, ठीक है। अभी आप व्यूअर्स को दिखाइएगा, अभी ट्रक भी मैंने बनाए हैं, ठीक है, ट्रक्स भी बनाता हूँ मैं, और एयरक्राफ्ट के मॉडल्स मैं ज़्यादा बनाता हूँ क्योंकि मेरा लगाव इन चीज़ों के साथ ज़्यादा है। मुझे जेट्स अच्छे लगते हैं, मुझे हर तरह के जहाज, हर तरह के एयरक्राफ्ट अच्छे लगते हैं। सो एक्चुअली मेरा फोकस यही होता है कि मैं मॉडल ज़्यादा बनाऊँ, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें वो भी मैं बनाता हूँ। अब लेटर ऑन एज आई टोल्ड यू, ठीक है, अभी तो खैर मैं अपनी इन्वेंट्री इकट्ठी नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं ऑर्डर पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन लेटर ऑन स्टेज जब मैं थोड़ा सा जाके कहीं पे फ्री होऊंगा, आई फील लाइक यार अभी मुझे ऑर्डर्स नहीं लेने, ठीक है, मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए। जब मैं अपनी इन्वेंट्री बनाना शुरू करूँगा इंशाल्लाह, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं। मॉडल से, एयरक्राफ्ट मॉडल से हट के भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं। मैंने स्कल्पचर्स भी सोचे हुए हैं, मैंने स्कल्पचर्स पे भी काम करना है, एंड आई नो हाउ टू मेक स्कल्पचर्स एज वेल। मुझे वो काम भी आता है, लेकिन ये है कि बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा वो करने के लिए, सही। तो ये चीज़ें जितनी हमें नज़र भी आ रही हैं, कुछ बैक कैमरा भी अभी हम दिखा देंगे व्यूअर्स को, तो ये तो चीज़ें शौक की हद तक हैं। तो इसको बिजनेस में कन्वर्ट करने का कोई प्रोग्राम, क्योंकि आप जाहिर सी बात है ये जैसे आपने बताया कि आप लोग भेजते हो, बना के भी लोगों के लिए, मतलब ऑन ऑर्डर्स भी आप बना रहे हो, तो वो उसका क्या माइंडसेट है कि उसको एक्सपेंड करेंगे या इसी तरह ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं, या स्पेसिफिकली अगर डिफेंस के लोगों के लिए आप बनाना चाह रहे हो या बनाते हो तो उसको एक्सपेंड करो बड़े लेवल पे, ताकि जैसे इवन के ये बहुत सारी जो एग्जीबिशंस होती हैं वहाँ पे ये चीज़ें सेल आउट हो रही होती हैं? जी बिल्कुल। पहली तो बात यह है कि जब मैंने एज एन हॉबी ये शुरू किया था, मैंने कभी भी नहीं, मेरी अप्रोच ये नहीं थी कि मैंने इसे बिज़नेस में कन्वर्ट करना और एज ए बिज़नेस इसको लेके चलना। मेरी एक हॉबी थी, मुझे आर्ट का शौक़ था और मैंने करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने ये चीज़ें बनाई, मैंने जैसे आप कह रहे हैं एग्जीबिशंस वगैरह, मैंने एग्जीबिशन में अपनी चीज़ें एग्जिबिट भी की हुई हैं। उससे जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह चले हैं, उससे पहले मेरी चीज़ें कई दफ़ा एग्जिबिट हुई हैं। मैं नूर खान बेस वगैरह में भी जो है अपने स्टॉल्स वगैरह लगाता था। जब आपको पता हो 2-3 साल पहले या 4-5 साल पहले हर बेस पे 6 सितंबर पे एक नुमाइश वगैरह लगती है, वहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने स्टॉल्स वगैरह लगाए। फिर डिफरेंट और जगहों पे भी मैंने स्टॉल्स वगैरह लगाए। तो वहाँ पे जब मेरी चीज़ें सामने आई हैं तो लोगों ने देखी हैं, फिर लोगों को पसंद आई और लोगों ने मुझसे वो ख़रीदना शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें बिकना शुरू हुई हैं उसके बाद जो है ना ये हॉबी एक तरह से बिज़नेस में कन्वर्ट हो गई। अब ये सीन होता है कि अब स्पेशली लोग मुझे पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर मैं उनके लिए जहाज़ जो भी उनका रिक्वायर्ड होता है, जिस तरह का वो जहाज़ करते हैं, फिर वो मैं बनाता हूँ और उनको फिर मैं शिपमेंट भेजता हूँ। तो इंशाल्लाह आगे फर्दर प्लान्स यही हैं कि इंशाल्लाह इसको एक्सपेंड करना है। अभी तो फ़िलहाल मैं, क्योंकि मेरे पास मैन पावर नहीं है, आई एम द ओनली वन, ठीक है, वन मैन आर्मी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी खैर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता करते हैं इंशाल्लाह इसको एक्सपेंड करेंगे। और अप्रोच यही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान से अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ में भी मेरी चीज़ें जा रही हैं। अप्रोच मेरी यही है कि फॉरेन कंट्रीज़ में ही ज़्यादा काम करूं और साथ में थोड़ा बहुत ही पाकिस्तान के लिए भी इंशाल्लाह काम करना है और वो कर भी रहा हूं। लेकिन वाई आई वॉन्ट टू वर्क फॉर फॉरेन कंट्रीज़ बिकॉज वहाँ से मुझे चले प्रॉफिट रेशो थोड़ी सी ज़्यादा है रादर दैन पाकिस्तान। और वहाँ पे लोगों को बेसिकली वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट को ज़्यादा वैल्यू भी करते हैं और वहाँ पे ज़्यादा डिमांड भी है इस तरह की चीज़ों की। बिल्कुल। और तो दैट्स वाई मेरी अप्रोच यही है कि फॉरेन कंट्रीज़ में मैं ज़्यादा काम करूँ। सही। तो अभी तक जो भी आपने मतलब ये चीज़ें बनाई हैं उसमें कोई आपकी पर्सनल फेवरेट के ये मुझे बहुत पसंद है, या उसके साथ बंदे का एक लगाव जैसे हो जाता है किसी चीज़ के साथ? मेरे लिए तो सारी मेरी पर्सनल फेवरेट है, ठीक है। मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ मेरा लगाव उसके साथ हो जाता है। जैसे अब ये जहाज़ बन रहा है, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी मैं कोई जहाज़ बनाता हूँ किसी के लिए ऑर्डर पे बनाता हूँ, जब वो जहाज़ बन जाता है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग विद यू, एक दफ़ा दिल करता है यार छोड़ो नहीं भेजता, अपने पास रख लेता हूँ। लेकिन यार क्योंकि ऑब्वियसली यार फिर ज़ुबान हुई होती है और ऊपर से पैसे भी लिए होते हैं तो भेजना पड़ जाता है दिल पे पत्थर रख के। तो मेरे लिए तो सभी मेरे पर्सनल फेवरेट हैं यार, आई लव माय वर्क। सही है, ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत इतनी करता हूँ। मैं जब भी कोई जहाज़ बना रहा होता हूँ, ठीक है, मैं सबसे पहले अगर लेट्स सपोज 730 मैंने स्टार्ट किया है तो सबसे पहले जब मैंने 730 बनाया था मैंने उसकी सारी नॉलेज अपने दिमाग में डाली, मैं उसको स्क्रॉलिंग करता रहा, मैंने 730 की हर एंगल से पिक्चर्स दी, मैंने उसके 3 व्यूज़ निकाले, हर तरह मतलब फ्रंट से क्या है, मतलब कहाँ पे उसके टोट्स लगे हुए हैं, कहाँ से मतलब उसके जो है ना बाकी चीज़ें वगैरह एंटेनाज वगैरह कहाँ पे हैं, तो सारी चीज़ें मैंने उसकी बेसिक नॉलेज लेने के बाद तब मैं जाके उसके ऊपर काम करना शुरू करता हूँ। और फिर उसके बाद मतलब हर चीज़ जो जो मुझसे हो सकता है ना एक छोटे मॉडल में लेके आई जा सके मैं वो लेके आता हूँ चीज़, और जितना वो रियलिस्टिक मैं उसे बना सकूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं बनाऊँ। जब इतना ज़्यादा आप उसके ऊपर फोकस करके काम करते हैं, इवन इफ़ आई एम वर्किंग फॉर समवन, अगर किसी ने मुझे कोई ऑर्डर प्लेस किया और मैं उसके लिए जहाज़ बना रहा हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ बना के भेजूँ। और जब वो बेस्ट चीज़ बन के सामने आती है तो फिर ऑब्वियसली दिल नहीं करता कि यार इसको भेजूँ, लेकिन भेजना पड़ता है। सही। अच्छा ये बताएं कि जो अभी तो हमारा मतलब चीज़ें डिस्प्ले पे हैं, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं, बहुत सारे मतलब अब आप एक तरह से फेमस बंदे हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं, लेकिन जब पहली दफ़ा आपने घर पे चीज़ें बनाई थी तो फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? क्या मतलब कोई तासुरात घर वालों ने दिए कि यार ये क्या चीज़ बनाई है, या कुछ क्या रिएक्शन आया? सब ने तासुरात यही थे, देवर बट नॉर्मल हैप्पी कि यार ठीक है, ओके फाइन। लेकिन उस टाइम पे उनको खैर इतना नॉलेज नहीं था कि यार ये क्या चीज़ें हैं और मतलब ये कहाँ से कहाँ लेके जाएंगी। तो देवर हैप्पी, फैमिली वो सपोर्टेड एवरी टाइम, तो उनने सपोर्ट ही किया। तो आपका क्या रिएक्शन है? अब तो आप मतलब जाहिर सी बात है आप मीडिया वाले आपके पीछे घूम रहे होते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन है? मतलब वो तो शायद एक्सपेक्ट ना कर रहे हैं उस तरह से, लेकिन अब तो जाहिर सी बात एक चीज़ उनके सामने भी आ गई है कि ये एक आर्ट है और जिसको लोग पसंद भी करते हैं, और शौक को आपने बिजनेस में एक तरह से बदल लिया। मेरे भाई पता है क्या बात है यार, आप बाहर जितने भी पॉपुलर हो जाए ना, सही है, घर में आप वही रहते हैं, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर ही है। तो ठीक है, यही सीन। तो दोस्तों वगैरह को भी कुछ गिफ्ट करते हैं, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं ऑन डिमांड बनाते हैं, तो हमारे यहाँ तो अक्सर लोग फिर कहते हैं यार तू बना रहा है तो चल मुझे भी कुछ बना दे। बिल्कुल, तो कुछ दोस्तों की तरफ से तो डिमांड आती रहती है, लेकिन एज यू सॉ माय वर्क, ठीक है, इट्स नॉट दैट इजी कि मतलब हर बंदे को मैं एंटरटेन कर सकूं, और उनको भी इस चीज़ की समझ है, वो भी ये चीज़ जानते हैं कि इतना कोई आसान काम नहीं है कि यार जो है ना बना के गिफ्ट कर दिया जाए। उनको भी पता है टाइम टेकिंग है और उनको भी पता है कि कितना मेहनत तलब काम है, सो वो भी अवॉइड ही करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी कह देते हैं यार हमारे लिए भी कुछ बना दे, तो इंशाल्लाह कभी मतलब मैंने ज़्यादा इंशाल्लाह प्रोडक्शन मेरी बढ़ी तो ज़रूर इंशाल्लाह उनको भी इंटरटेन करेंगे। सही। अच्छा ये सारी चीज़ें मिलिट्री से रिलेटेड मोस्टली चीज़ें आपकी जो हैं, तो जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें आप बनाते हैं तो वहाँ से कोई अप्रिसिएशन हुई है या कोई आपको कहीं से कोई अवार्ड मिला हो या कुछ इस तरह की चीज़? जी बिल्कुल, मुझे हर तरफ से ये अप्रिसिएशन मिली है। ठीक है, मीडिया वालों ने तो किया ही किया है, लेकिन साथ ही साथ मुझे पाकिस्तान आर्मी वालों ने अप्रिशिएट किया। उनने मुझे कुछ शील्ड्स वगैरह दी और सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए। फिर उसके बाद मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स वाले अगाया बगाया, क्योंकि ज़्यादातर मैं काम, क्योंकि एयरक्राफ्ट मॉडल्स मैं बनाता हूँ, ज़्यादातर काम उनका रेलेवेंट होता है, उनके जो है एयरक्राफ्ट से रेलेवेंट, तो वो मुझे ज़्यादातर इनवाइट करते हैं और उनका काम भी मैं ज़्यादा करता हूँ और अप्रिशिएट करते हैं, शील्ड्स वगैरह दे देते हैं, फिर उसके बाद अप्रिसिएशन लेटर्स वगैरह दे देते हैं, फिर उनके रेलिवेंट स्क्वाड्रंस में मैं थोड़ा बहुत ही काम भी कर देता हूँ जो भी उनको रिक्वायर्ड हो। सही। तो जो पाकिस्तान में इससे रिलेटेड कोई और काम कर रहे हों, कि कोई सीनियर हों, उनसे आपने कोई रहनुमाई लेने की कोशिश की या किसी की तरफ से आपको मैसेज आया हो कि इसमें मज़ीद ये चीज़ आप बेहतर कर सकते हो? हाँ जी बिल्कुल, मेरे फेसबुक पेज चल रहे हैं, एक सॉरी पेजेस नहीं पेज चल रहा है, ठीक है, और इसी तरह मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, यूट्यूब पे भी चल रहा है मेरा चैनल। तो वहाँ पे लोग अक्सर आते हैं, वीडियोस भी देखते हैं और नीचे कमेंट्स भी करते रहते हैं, और वहाँ पे वो अपने सजेशंस भी देते रहते हैं कि यार ये मॉडल बना लें, इसको ऐसे कर लें और इसको ऐसे कर लें। तो इस तरह के भी सजेशन देते रहते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं उसे फाइन कर सकूँ मैं करता हूँ। तो कभी इस तरह की सजेशन मुझे नहीं आई मेरे काम के नीचे, या कोई इस तरह का कमेंट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं आया कि लोग मुझे कह रहे हो कि यार आपने ये कमी छोड़ दी है इस जहाज़ में, आपको ये चीज़ डालनी चाहिए थी, आपको या ये करना होगा। हाँ ये है कि लोग मुझे ये ज़रूर कहते हैं कि यार आपने 730 का मॉडल बना लिया, आपने फोकर का मॉडल बना लिया है, अब आप जो है ना AN-27 या समथिंग वट एवर द एयरक्राफ्ट इज, उसका मॉडल बनाएं, ठीक है, PIA का मॉडल बना लें, ठीक है, या कोई J-17 का मॉडल बना रहे हैं। इस तरह की सजेशन आ रही होती हैं मुझे नीचे। नहीं, मेरा बेसिक मकसद पूछने का ये था कि जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं जो ये चीज़ें बना रहे हैं, एक तो जनरल पब्लिक का तो रिस्पांस आपको आते रहता है कि जाहिर सी बात एक तरह से जो व्यूअर है वो तो अपना रिस्पांस देता है उसके ऊपर, लेकिन जो एक कहते हैं ना जैसा क्रिटिक होते हैं बिल्कुल काम के, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैसेजेस आते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब नो हाउ हो भी गई है। कुछ लोग कराची में भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग लाहौर में भी काम कर रहे हैं, तो उनसे मतलब नो हाउ होती रहती है, उनसे सलाम दुआ चलती रहती है और वो अपने व्यूज़ वगैरह देते रहते हैं और बताते रहते हैं कि यार ये चीज़ें भी कर लें, ये चीज़ें भी कर लें, तो इस तरह चलता रहता है। सही है। तो अभी आप इसका कोई डिस्प्ले भी आपने बनाया हुआ है या जैसे घर पे ही आप सारा काम करते हैं, या कहीं कोई इस तरह का डिस्प्ले भी है वहाँ पर लोग आपको विज़िट भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं? फ़िलहाल मेरा इस तरह का कोई डिस्प्ले नहीं है। हाँ जी, अगर कोई मुझसे लेना चाहता है और चीज़ों को देखना चाहता है तो उनको फिर मैं अपने ऑफिस इनवाइट कर लेता हूँ। मेरा एक कॉल सेंटर है बेसिकली, एयरन कॉल सेंटर, तो वहाँ पे मैं उन्हें बुला लेता हूँ, वो चीज़ें मेरी वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैंने इसका डिस्प्ले एक प्रॉपर बनाना है। इंशाल्लाह एक मैं मेरा प्लान यही है कि कोई एक शॉप बनाऊँगा इंशाल्लाह रेलिवेंट टू दीज थिंग्स, यहाँ पे अपना सारा डिस्प्ले बना सकूं और लोगों के लिए इजी एक्सेस हो सके, जहाँ पे वो आके देख सकें चीज़ों को और ख़रीद सकें वहाँ पे। तो बाहर से भी कोई आपको उस तरह से रिस्पांस आया है? आपके ज़ाहिर सी बात है यूट्यूब चैनल है तो उसके ऊपर तो ज़ाहिर सी बात है बाहर के लोग भी होंगे, तो उधर से कैसा रिस्पांस आया है? वहाँ से तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आता है, और जैसे मैंने आपको बताया फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी मैं मॉडल्स बना के भेज रहा हूँ, तो वहीं से मतलब लोग अप्रोच करते हैं, फेसबुक पेज पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो भी मेरे जितने सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं वहाँ पे आके अप्रोच करते हैं और चीज़ें वगैरह जो भी उन्हें चाहिए रिक्वायर्ड होती हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं और ऑर्डर भी प्लेस करते हैं। सही। तो ये आपने अभी बात की थी डिफेंस के हवाले से, तो डिफेंस के अदारे में कहाँ कहाँ आपने तकरीबन ये अपने मॉडलिंग जो आपने भेजी है? एयरफोर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और अभी कर भी रहा हूँ, और इसके साथ साथ आर्मी वालों के लिए थोड़ा बहुत ही काम करता रहता हूँ साथ साथ। सही। तो नेवी वालों के साथ क्या सीन है? कोई नेवी वालों के साथ मतलब एक ही दफ़ा इंटरेक्शन हुए, उनके लिए अभी इतना ज़्यादा काम नहीं किया, डिपेंड्स जब उनने काम लेना होगा इंशाल्लाह कर देंगे। सही है। तो मतलब डिफेंस के अलावा भी अगर प्राइवेटली कोई मतलब कोई अदारा आपको अप्रोच करता है कि कोई चीज़ या मॉडलिंग करवानी है, उन्होंने आपसे बनवानी है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या किस तरह आपको कॉन्टेक्ट करते हैं लोग? मेरे फेसबुक पेज पर चले जाते हैं, जिसने भी मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वीडियोस मेरी इतनी ज़्यादा चल चुकी हैं और हर बंदा जानता ही है, एवरीबडी नोज हु इज़ शर्जील हसन मिन्हास, तो लोग मेरे पेज पे चले जाते हैं, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं। सही है जी। या फिर मेरा काम कहीं ना कहीं पे पड़ा होता है, लाइक डिफरेंट यूनिट्स में मेरा काम पड़ा हुआ है। मैं इनकी प्रोवोस वालों की व्हीकल्स बनाता हूँ, तो मेरा हमेशा जो भी मैं अपना काम करता हूँ उसके साइड पे मेरा एक टैग लगा होता है, उस पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है। तो जो भी रिक्वायर्ड इदारा होता है अगर वो वहाँ पर जाके देखते हैं तो वहाँ से उनको आराम से मेरा वो कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। चलें, हम तो ये करेंगे ना, आपका जो फेसबुक पेज है या आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका हम लिंक अपनी वीडियो में भी डाल देंगे, ताकि अगर किसी ने आपको रब्ता करना है उसके लिए भी आसानी हो। तो अभी आखिर पे आप थोड़ा सा ये बताएं कि जो ये आर्ट है, ये आपके ख्याल में जो इसकी क्या फ्यूचर क्या है आगे, क्योंकि जैसे अभी आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, तो इसको हम लार्ज स्केल पे कैसे आपके ख्याल में इसको मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं? इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से ले जाया जा सकता है कि अगर आप अपनी मैन पावर थोड़ी सी ज़्यादा कर दें, जो कि मुझे अभी फर्दर आगे जाके करनी पड़ेगी, तब हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। क्योंकि अभी मैं अकेला वन मैन आर्मी अगर करूँगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने मॉडल्स बना लूँगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल भी अगर लगाऊँ ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 मॉडल बना लूँगा, इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैन पावर ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो फ्यूचर इसका अच्छा है, मॉडल्स अच्छे सेल हो जाते हैं। ऑल यू नीड इज़ अ मैन पावर। तो कोई अदारा आपको कोई सपोर्ट कर सकता है इसमें, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो आपको हेल्प आउट करें इसमें, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे इस चीज़ में तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर वो मुझे सपोर्ट करें तो जैसे मैंने आपको बताया मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, आई कैन टीच अदर पीपल्स, और ज़्यादा और लोगों को मैं सिखा सकता हूँ ये चीज़, एक प्रॉपर इसकी इंस्टीट्यूट बना सकता हूँ, वहाँ पे मैं लोगों को बेसिक नॉलेज दे सकता हूँ व्हाट इज़ एन एरो मॉडलिंग एंड ऑल दैट, और लोगों को मैं प्रॉपर इस चीज़ के बारे में गाइडेंस दे के और प्रोडक्शन हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ में हम इसको लेके जा सकते हैं, अपनी चीज़ों का एग्जिबिट कर सकते हैं, वहाँ पे हम चीज़ें बेच भी सकते हैं। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि आप ये आर्ट किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ताकि आपसे सीख के इस काम को मज़ीद एक्सपेंड किया जाए, इवन कि आप बेशक आपकी अपनी टीम एक बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझसे सीखें, मेरे पास ही हमेशा काम करते रहें, ठीक है, हमारी एक टीम बिल्डअप हो जाए, ठीक है, हम उसको फिर डिफरेंट एक्सपोज में जाके अपने मॉडल्स पर डिस्प्ले करें, और साथ ही साथ डिफरेंट कंट्रीज़ में भी एक्सपोज हो रहे होते हैं जहाँ पे हम अपनी चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हैं। सही, और मुल्कों को उनका नाम रोशन हो सकता है। बस एंड पे आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो कैमरा आपके पास। बस यही मैसेज है कि मेहनत करते रहें और खुश रहें और प्रोडक्टिव चीज़ें करते रहें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपका दे देंगे, और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलो जी, बहुत शुक्रिया, शर्जील भाई के साथ आज हमारी एक शाम गुजरी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही हम अभी आपसे इजाज़त भी चाहेंगे।